हेलो गाइस, मैं हूँ सुमेर सिंह एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जो दोस्तों आज हमारे पास सही है नेक्सा फ्रॉन्स, जो आज हम लोग इसमें इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। हम लोग डोर डैम्पिंग सीट, फोर डोर में हम लोग डैम्पिंग सीट करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि इसकी जो डोर नॉइज़ है वो हम कैसे इसकी जो है बंद कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं इसमें आपको ये फ्रॉन्स के अंदर आपको मारुति में मारुति की बिल्ड क्वालिटी सबको ही पता है कैसी रहती है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको पॉलोथीन लगी हुई रहती है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये इसमें काफ़ी मतलब कि जैसे हम कभी गेट बंद करते हैं तो काफ़ी नॉइज़ आती है और जैसे कभी गेट भी जैसे हम बंद करते हैं तो काफ़ी नॉइज़ आती है। तो वो चीज़ बंद करने के लिए आप ये देख सकते हैं मोको और ब्लॉक बास्टर के हम लोग ये वाली जो है डैम्पिंग सीट हम लोग ये वाली इस्तेमाल करने वाले हैं। ब्लॉक बस्टर के हम लोग जो है गेट के अंदर लगाएंगे और मोको के हम लोग जो है गेट के बाहर हम लोग ये वाली जो डैम्पिंग सीट हम लोग इसमें जो है इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं ये है हमारी मोको की 2.4 mm की ये वाली जो सीट रहती है डैम्पिंग सीट, और ये काफ़ी हैवी और काफ़ी बढ़िया और काफ़ी शानदार मटेरियल रहता है इसका। यह आप देख पा रहे होंगे ये वाली सीट 2.4 mm की रहती है ये सीट। ये वाली हम लोग लगाएंगे डोर के बाहर लगाएंगे और इसकी थिकनेस देख सकते हैं 2.4 mm की सीट रहती है। और इसकी जो आप इसका जो ग्लू देख सकते हैं, ग्लू काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है और काफ़ी बढ़िया इसकी जो सीट रहती है मोको कंपनी की। तो ये वाली हम लोग जो है फोर डोर के अंदर हम लोग जो है लगाने वाले हैं। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं ये वाली हमने पोलोथीन हटा दी है, ये वाली अंदर के साइड हम लोग लगाने वाले हैं हम लोग अपना ब्लॉक बास्टर की ये वाली जो सीट। और ये वाली सीट के हमने कर लिए तीन पार्ट, हम कर लेते हैं लंबे काट ये कटिंग कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये हमने डोर के अंदर लगा दिया है ताकि जैसे हम कभी गाड़ी में जैसे कभी गाड़ी भी चलती है स्पीड में तो डोर में बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं आए। और जैसे आप कभी साउंड जैसे आप कभी थोड़ा सा फुल करते हैं तो उसमें भी ये वाला जो गेट है जो वो बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं होता है। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारी डोर के अंदर लग चुकी है ये वाली डैम्पिंग सीट। यहाँ पे देख पा रहे होंगे बिल्कुल प्रॉपर वाइज तरीके से इसमें जो है डैम्पिंग सीट बिल्कुल अंदर एक सीट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसके अंदर जो है लग जाती है। एक गेट में दो डैम्पिंग सीट लगती है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाली है हमारी मोको कंपनी की। ये वाली मोको के हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाली मोको की हम लगाएंगे बिल्कुल ये हम लोग लगाएंगे बिल्कुल ऊपर के साइड में। ये आप पे देख पा रहे हो जहाँ से हमने जो पोलोथीन हमने रिमूव करी थी उस जगह पे हमने ये वाली जो है डैम्पिंग सीट हमने ये वाली लगाई हुई है। और आप ये देख पा रहे होंगे बिल्कुल प्रॉपर वाइज तरीके से हम लोग ये वाली जो कटिंग करके स्पीकर की कटिंग आपके ये जो डोर लेज की ये सारी चीज़ें हम लोग कटिंग कर लेंगे और ये बिल्कुल प्रॉपर वाइज तरीके से हम लोग जो इसका जो है गेट हम लोग जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसकी जो डैम्पिंग सीट हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं। और इसको लगाने के बाद में आपके डोर में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। और जैसे आप ये देख सकते हैं ये वाली हमने ऊपर की साइड लगाई है मोको कंपनी की और अंदर हमने लगाई है आपकी ब्लॉक बास्टर की सीट। और एक गेट में आपकी दो सीट बिल्कुल आराम से लग जाती है और बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये वाली जो है सीट लग जाती है। और आप ये देख पा रहे होंगे काफ़ी बढ़िया तरीके से इसका जो है फिटमेंट हो जाता है। और आप ये देख पा रहे होंगे ये हमने फोर डोर में हमने लगा दिए बिल्कुल प्रॉपर वाइज तरीके से। और इसके जो ये लगने पर ये तो आपकी ये जो डोर लगने पर यहाँ पे देख सकते हैं इसका साउंड सुन सकते हैं आप, ये कितना स्मूथ साउंड आ रहा है इसका। बिल्कुल भी इसमें जो है आपको जो पहले जो आता था साउंड बिल्कुल नहीं आएगा। जो भी साउंड आता है ये बॉटल वोटल का आ रहा होगा, बाकी आप साउंड सुन लीजिए काफ़ी बड़ी। ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा साउंड, ये बिल्कुल भी स्मूथ साउंड हो जाता है, बिल्कुल भी अंदर बैठे बिल्कुल भी साउंड नहीं आता।